हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ चेतना, करियर साइकोलॉजिस्ट विद जोशना आईस। सो टुडे आई एम डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट, लाइक हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। सो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है टॉपिक सभी के लिए कि हम किस तरीके से एग्जाम को क्या करें, प्रिपेयर करें। तो कुछ स्टेप मैं आज आपको बताना चाहूँगी इस एग्जाम्स की रिगार्डिंग, किस तरीके से हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप की मैं बात करती हूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो द एग्जाम सिलेबस वेल। देखिए, आपको अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के मूड में होते हो तो आपका जो फर्स्ट आपका स्टेप होता है वो होता है कि सिलेबस का आपको पता होना, ठीक है। लेकिन हम बात यहाँ पे यूपीएससी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, सिलेबस पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सिलेबस अगर आपको नहीं पता तो उस एग्ज़ाम को क्लियर तो करना दूर की बात है, हम उस एग्ज़ाम को हम नहीं कर पाते अच्छे से उसको, ठीक है। तो फर्स्टली देखो, यूपीएससी एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं तो सिलेबस यूपीएससी का बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक, कि इसमें आपको कितने स्टेजेस होते हैं, नंबर ऑफ मार्किंग क्या है, कौन सा पेपर सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, कौन सा क्वालिफाई होता है, ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, देन उसमें कितने मार्किंग स्कीम का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो ये सब पता होना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में जैसे हम बात करें, जो प्रीलिम्स होता है वो आपको पता है ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से कौन सा पेपर आपको ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है, 2 होता है जिसको आप सी सेट कहते हैं, देन ये आपका क्या होता है क्वालिफाई होता है, 33% आप सभी के लिए आना क्या होता है कंपल्सरी होता है। नाउ सेकेंड इज क्या होता है आपका मेन्स, जो कि आपका सब्जेक्टिव होता है। तो देखो, आपको बहुत ही डिटेल में सिलेबस पता होना ज़रूरी है, बिना सिलेबस के हम किसी भी कौन सा एग्ज़ाम आपका कितना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट की हम बात करेंगे कि जैसे आपका मेंस में ऑप्शनल होता है, ये 500 मार्क का होता है, एक ही पेपर आपका 500 नंबर का है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस कहीं ना कहीं भी उतनी होगी, तो आपको पता होना ज़रूरी है। लाइक मेंस में ही आपका जैसे आपका ये इंग्लिश पेपर होता है, एक लैंग्वेज पेपर होता है, दोनों ही क्वालिफाई होते हैं, तो किस एग्ज़ाम को आपको कितना फोकस करना है, स्टडी आपको कितना ज़्यादा फोकस करना, तो इम्पॉर्टेंस तो तभी आपको पता चलती है एग्ज़ाम की, पेपर की, कि भाई हम उसको कितना टाइम दें, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना ज़रूरी है, फाइन। तो इस तरीके से एसए का पेपर, देन जनरल स्टडीज जो पेपर 4 होते हैं आपके, 1000 मार्क्स के होते हैं चारों, ठीक है। तो आपको ये पता होना इम्पॉर्टेंट है कि आपको किस पेपर पे कितना फोकस करना है। और उससे भी पहले जो मैंने बताया सीसेट, जो कि सभी के लिए 33% आपको लाना होता है, तो भाई कंपलसरी है, तो बिना इसे क्वालिफाई इसकी इम्पॉर्टेंस आपकी कहीं भी नहीं मार्क करती, फाइन। तो सिलेबस पता होना जरूरी है। लेकिन थर्ड इज आपका आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि आपका 275 मार्क्स गेन करते हैं। ओवरऑल आपके जो मार्क्स की कैलकुलेशन होती है वो होती है आपकी मेन प्लस आपके इंटरव्यू की, क्लियर। तो इसी से आपके फाइनल जो मेरिट निकलती है वो इसी के मार्क्स एड इन होकर निकलते हैं। तो सिलेबस की नॉलेज होना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप पहला मेरा पॉइंट आप याद रखिएगा। नाउ जो सेकेंड स्टेप आप फॉलो करो वो करो बेसिक योर बिल्ड योर बेसिक फाउंडेशन। बेसिक फाउंडेशन का यहाँ मेरा मतलब है एनसीईआरटी से। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, अभी हमने पीछे पढ़ा डिटेल में, तो सिलेबस वास्ट है तो कहीं ना कहीं हमें इम्पॉर्टेंट रखता है कि भाई हम कैसे क्या स्टेप लें जिससे हम इस एग्जाम को क्रैक भी कर पाए, देन एक अच्छी रैंक लेकर आए। तो देखो, बेसिक फाउंडेशन हर स्टूडेंट का क्या होता है, अच्छा नहीं होता, इवन होता ही नहीं है बहुत, उससे करना होता है। होता है क्या, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बीए प्रोग्राम के होते हैं, कोई बीकॉम के होते हैं, कोई बीएससी के होते हैं, तो अलग अलग, कोई बीटेक का होता है, तो अलग अलग फील्ड के, अलग अलग लाइक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसमें सिटिंग होते हैं, तो हर किसी का इसमें हर किसी की जो हब जीएस का पोर्शन अच्छा नहीं होता। लाइक कोई साइंस का स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं उसका साइंस बायो अच्छी होगी, केमिस्ट्री, लेकिन वहीं पर उसकी पॉलिटी हिस्ट्री वीक होगी, तो अगर वो डायरेक्ट हम उसको हायर पढ़ाए तो उसको चीज़ें कहीं ना कहीं समझ भी नहीं आएगी, और उसको वो बहुत ज़्यादा कहता है लाइक उसको समझ नहीं आएगा उसको अच्छे से उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो आपका इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे रखता है सेकेंड स्टेप वो रहता है बेसिक अपना करो अच्छा फाउंडेशन का। लाइक एनसीईआरटी जो आपकी होती है 6 to 12 की,
जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं जीएस के, वो आप सभी को क्या करना चाहिए, वो आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लाइक पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, ठीक है, हिस्ट्री होती है आपकी, हिस्ट्री भी देखो आपकी 4 फेजिस में डिवाइड होता है, एशियन, मिडेवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड, फाइन। देन आपका जनरल साइंस होती है आपकी, फाइन। तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट्स आप अपना बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो, देन फिर आगे आप अपना स्टेप करो। अगर हम बात करें आगे की स्टेप की, तो आपका जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है अपग्रेड योर नॉलेज विद स्टैंडर्ड्स बुक्स। तो देखो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जब उन्होंने बेसिक अपना अच्छा कर लिया, तो आपको जो अगला स्टेप लेना चाहिए वो है आपका अपना स्टैंडर्ड्स बुक का, कि भाई जो पॉलिटी आप पढ़ते हो 6th से लेकर 12th तक की, उसकी जो स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें आप कुछ केस स्टडीज, कुछ अपडेशन जो आपका है वो आप पढ़ते हो, वो आप स्टैंडर्ड्स बुक में ही आप पढ़ पाते हो। लाइक पॉलिटी की हम बात करें तो उसमें एमन लक्ष्मीकांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है स्टैंडर्ड्स बुक में। वहीं पर हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गई, बिपिन चंद्रा, तो इस तरह के हर एक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी, सभी की क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स बुक्स होती है जो आपको फॉलो करना चाहिए, फाइन। एंड जैसे आपका ज्योग्राफी में आप एटलस आप पढ़ते हो, बिना एटलस पढ़े ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसी से आप क्या करते हो, लिंकअप कर पाते हो स्टेट्स कैपिटल एंड कहाँ पे, ठीक है, उसके वो है। तो इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट, जो आपका बिपिन चंद्रा, इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी करंट अफेयर्स, क्योंकि आपने अपना बेसिक अच्छा कर लिया है, तो आप अब फिर क्या करो, अपना करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट करो। आप उसे क्या कर पाओगे, इंटरलिंक कर पाओगे चीज़ों को, लाइक पॉलिटी को, ठीक है, और जिस तरीके से जो भी अपडेशन है हमारी सोसाइटी में, जो भी अमेंडमेंट पॉलिसीज जो हमारी एड इन होती है, तो किस तरीके से आप उसे लिंक कर पाओगे इवन हर एक सब्जेक्ट को, फाइन। हम नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, वो है आपका प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्लस रिविजन। देखिए हमने बेसिक अपना अच्छा कर लिया, स्टैंडर्ड्स बुक भी कर ली, ठीक है, तो हमने अगर किसी भी चीज़ को आप एक बार पढ़ते हो, तो एक बार पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता। रीज़न बिहाइंड, यूपीएससी जर्नी ही अपनी इतनी आपने बड़ी है, लाइक आप इसको कहीं ना कहीं आप 1 ईयर 12 to 15 मंथ का आपका ही होता है आपका लाइक ए कोर्स। तो इतनी बड़ी जर्नी में क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता। जब तक हम उसको रिवीजन ना करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन ना करें, तो कहता है ना कोई भी इतना जीनियस नहीं होता, क्योंकि है हर किसी की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी सबकी अलग होती है, लर्निंग पावर, बट उससे भी इम्पोर्टेंट जो है रिवीजन है। देखो बिना रिवीजन, विदाउट रिवीजन, हम उस चीज़ को अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है ना, आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ी, उसको हम बार बार अगर 2-3 बार उसे जब तक पढ़ना दे, लक्ष्मीकांत कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टूडेंट को 3 से 4 बार पढ़ना सभी के लिए क्या ज़रूरी है। उससे क्या होगा ना, आपकी जो नॉलेज जो है, कैपेबिलिटी जो है ना, एक सोचने की या फिर याद ने की, वो चीज़ें बहुत ईजी आपके लिए होती है। तो रिवीजन और उसकी आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस में जो इम्पोर्टेंस है वो है आंसर राइटिंग का, ठीक है। तो मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, तो अपना जो आप जो भी पढ़ रहे हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, तो उसके PYQ निकाल के उसके आंसर राइटिंग हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि हम कैसे अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को बेटर अप्रोच कर सके। लाइक इंट्रोडक्शन में और क्या क्या हम इसको अपडेट कर सके, बॉडी डायमेंशन में थोड़ा और बेहतर करने के लिए, देन आपका कंक्लूजन। तो ये स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे लास्ट स्टेप की, वो है मॉक टेस्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। देखिए आपने अगर आपने अपना बेसिक अच्छा कर लिया, स्टैंडर्ड्स भी आपने कर लिए, रिवीजन भी मल्टीपल टाइम कर लिए, देन उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका स्टेप बनता है मॉक टेस्ट लर्निंग अप्रोच। तो बिना टेस्ट के हम अपने आप को कभी फिल्टर ही नहीं कर पाते, हम अपने आप को कभी स्टैंड ही नहीं कर पाते कि हमने एटलीस्ट कितना अपने आप को खुद के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। तो टेस्ट तो देखो हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एंड यूपीएससी बिना टेस्ट के आप, क्योंकि होता है क्या, जब हम टाइम मैनेजमेंट करके हम किसी भी टेस्ट को देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें अपने आप को पता कर पाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन,
जहाँ पे अगर एक क्वेश्चन हमें 2 मिनट हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको कम करना है, 1 मिनट से 1.5 मिनट इसको करना है, ठीक है। तो टेस्ट लगाना देखो स्टूडेंट सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप भाई। तो टेस्ट आप सभी लगाइए जिससे आप अपने आप को फिल्टर कर पाओ कि भाई हाँ हमने जितने भी रिवीजन करी, जितने भी हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी तो हम कितना अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स।